देशवासियों की तरफ से स्वामी जी का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी संत का आशीर्वाद, आशीर्वचन, पदार्पण जो आज इस झारखंड की नगरी पे हुई है, हम सब उनकी उपस्थिति पाकर, उनके चरण को पाकर आज धन्य हुए हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहन वीना शर्मा जी जो अपने आजीवन सदस्य हैं, बहन बिमल अरोड़ा जी, बहन बीना सानी जी, अरुणा मिश्रा, तरुणा मिश्रा जी, मोनीदीप दास, बहन अनीता डोकानिया, बहन मधु सिंह, आज इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में बहन वीना साहनी जी जो पलामू से हैं, अपनी आजीवन सदस्या, इस दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करके स्वामी जी का आशीर्वाद ले रही हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, अखंड भारत की, सब ऋषि मुनियों की, सब वीर वीरांगनाओं की। इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद, जबकि आज बंद का आह्वान किया हुआ है, यदि ये बंद का आह्वान न होता तो मुझे लगता है इस पंडाल में ये भीड़ समा ही नहीं पाती। आपके इस जोश के लिए, शौर्य के लिए, जज्बे के लिए, आपके इस उत्साह के लिए, आपकी इस योग निष्ठा और राष्ट्र निष्ठा के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं देख रहा हूं जो भाव आगे वाली बहनों में, इनसे भी ज्यादा भाव, इनसे भी कहीं और ज्यादा आस्था और विश्वास की पराकाष्ठा पीछे वाली बहनों में है, वो भी उतने ही जीवंत है दूर रह करके भी। ताली बजाने की बात आती है तो हाथ उठा करके बजाती हैं, दाएं वाले भाई पीछे तरफ थोड़े ढीले बैठे हैं, वो अलग बात है। हाँ, अब की बार मुझे पता लगा कि आपकी भी उपस्थिति है पीछे। और मेरे साथ एक प्रार्थना बोलेंगे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, वह शक्ति हमें दो, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उप निज जीवन सफल बना जावे, निज निज आन मान मर्यादा का, निज प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे प्रभु, सब बोलेंगे पीछे वाले भी, निज आन मान मर्यादा का, निज प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे प्रभु ध्यान रहे, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में बलिदान उसी ही पर हो जावे, बलिदान जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में
बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान चल दाम्ब द्वेष पाखंड झूठ, छल पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, अन्याय जीवन हो शोध सरल अपना, जीवन हो शोध सुचि प्रेम सुधारस बरसावे, सुचि प्रेम सुधार वह शक्ति हमें दो दयानिधे, वह शक्ति करताव्य मार्ग पर डट जावे, करताव्य जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उप निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन दोरे हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, जरा मुट्ठी बांध के हनुमान जी वाली बोलो बजरंग वाली की, भारत माता की, गौ माता की, वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान की नारी शक्ति जाग गई है, अब यहां विदेशी अप संस्कृति का भी अंत होने वाला है। हर चीज को इंपोर्ट किए जा रहे हैं, बताओ गाय देसी अच्छी कि विदेशी? लेकिन आजकल विदेशी गाय का दूध पीने लग गए लोग, अपना हाथी घोड़ा देसी अच्छा कि विदेशी? और अपनी संस्कृति सभ्यता देसी अच्छी कि विदेशी? भाषा देसी अच्छी कि विदेशी? और धरती देसी अच्छी कि विदेशी? और बहू भी देसी अच्छी कि विदेशी? पूरी दुनिया में सर्वे हुआ, जितनी आदर्श चरित्र वाली मां बहन बेटियां सास और बहुएं हिंदुस्तान की होती हैं, वैसी मां बहन बेटियां बहुएं सास पूरे दुनिया में कहीं की नहीं होती। तो हिंदुस्तान के ऊपर शासन देसी नारी का होना चाहिए कि विदेशी का? ये सबके दिल की बात है ना। आज मुझे बहुत खुशी हुई, पहले दिन हमने वाल्मीकि आदिवासी वनवासी बहनों की चरण पूजा के साथ इस कार्यक्रम का पश्चिम बंगाल से शुरुआत किया, फिर वीरांगनाओं की वंशज बेटियों को कल हमने बिहार में सम्मानित किया, आज बहन अरुणा मिश्रा पैदा हुई है ब्राह्मण कुल में लेकिन काम क्षत्रियों का कर रही है, हैं? इतनी बलवान बहन है अरुणा, और दोनों हमारी बहनें तरुणा, हैं? अरुणा और तरुणा दोनों ही बहनें बड़ी मजबूत हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका, इतनी मजबूत बहनें हैं। अब इनको
देखो एक दोनों को साथ में खड़ा करके एक बात कह रहा हूं। देखो अब ये इनके हाथ मेरे हाथ में है, देखो आप सोचो, अब ये मेरे से भी ज्यादा तगड़ी है और अब इन इन बेटियों के ऊपर कोई हाथ उठा सकता? कोई हाथ उठाएगा वो तो वो पानी मांगेगा फिर। आपको इतनी तगड़ी होना है कि कोई दुराचारी, कोई व्यभिचारी, कोई गंदी दृष्टि यदि आपके ऊपर डाले तो आप इतनी हिम्मत रख सकें कि आपको बचाने की आवाज ना करनी पड़े, वो पुकारे कि बचाओ और बचाओ, इतना तगड़ा होना आप। लोग कहते हैं बलात्कार हो रहा है, ये रैप हो रहा है, गैंग रैप हो रहा है, इनकी बहनों के ऊपर कोई आंख उठा करके देखे ना, कोई हाथ उठा करके देखे उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगी ये। तो आज इन बहनों की तरह ही आपको बलवान होने का भी संकल्प लेके जाना है। दोनों बहनों का पुनः अभिनंदन है। और ये तो दोनों हमारी वीरांगना बहने हैं, शूरता में, वीरता में, पराक्रम में, और कोई बल में कम है क्या? नारियां किसी से कम नहीं है। और आज ये शास्त्रीय जो नृत्य है हमारा, भारत जैसा नृत्य, भारत जैसी कला संस्कृति, भारत जैसा वास्तु, भारत जितना ज्ञान विज्ञान, भारत जितना चरित्र ऊंचा पूरी दुनिया में किसी भी देश का नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये। हमको बोल दिया गया कि हम तो गरीब हैं। अब बताओ झारखंड गरीब है क्या? झारखंड में इतना कोयला, इतना लोहा, इतना बॉक्साइड, इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, यदि उनकी चोरी रोक दी जाए तो अकेला झारखंड अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर है। और झारखंड को गरीब प्रदेश है साहब, गरीब प्रदेश है। यहां सरकार की भी फुटबॉल बना रखी है, कभी 6 महीने की, कभी साल भर की, फिर कोई राष्ट्रपति आ जाता है, फिर कोई दूसरा डंडा चलाता है। अगली बार झारखंड में हमको खंड खंड होने वाली नहीं, स्थायी सरकार बनानी है। विधानसभा में भी यही काम होना है और लोकसभा में भी। तो बोलो यहां पर एक अच्छी और टिकाऊ सरकार देने में जैसे मैं कहूंगी माताएं बहने वोट करेंगी? अच्छा बताओ, विधानसभा के चुनाव में एक दिन वोट करने के लिए निकलना पड़ता है और अड़ोसियों पड़ोसियों को निकालना पड़ता है, तो कितनी ऐसी बहने हैं जो अपना घर परिवार तो चलाएंगी ही, अपने जीवन को तो अच्छा बनाएंगे, आदर्श माँ, आदर्श बहन, आदर्श बेटी का तो वो कर्तव्य निभाएंगी, लेकिन विधानसभा में इस झारखंड को बचाने के लिए कितनी बहनें ऐसी हैं जो घर से बाहर निकलेंगी और दूसरों को निकालेंगी? जरा हाथ खड़ी करके बताओ तो। सारी की सारी। अच्छा ये बहनें तो बचाएंगी, क्या भाई जो है ये हाथ इनके टूट गए क्या? तो कितने हाथ इस झारखंड को बचाने के लिए साथ खड़े होंगे? हाथ उठाओ आप। बोले भारत माता की। बोले बाबा जी ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी? बाबा को एमएलए एमपी नहीं बनना, बाबा को एमएलए एमपी नहीं बनना, सीएम पीएम नहीं बनना, लेकिन एमएलए एमपी और सीएम पीएम कौन बनेगा ये हम आप मिलकर के तय करेंगे। ऐसा हिंदुस्तान अपने को बनाना है। बहुत दिन हो गए इन बुरे लोगों के, अब ये बुरे दिन लदने वाले हैं। और झारखंड के भाइयों के जोश को तो मैंने यहां खूब शिविर किए, मैंने देखा ही है, लेकिन आज बहनों का ये प्रांतीय अधिवेशन बुलाया गया है। दरअसल यदि रांची में आयोजन होता ना तो प्रेस में बहुत बड़ी खबर छपती, पूरे झारखंड की महिलाएं उमड़ी देश को बचाने के लिए, समृद्ध वैभवशाली संस्कारवान भारत बनाने के लिए। कोई बात नहीं, हमको जो है ये पता है कि झारखंड रांची से चलता है। कोई भी प्रदेश की अपनी एक राजनीतिक राजधानी होती है, दिल्ली से देश चलता है, राजनीतिक राजधानी है। दिल्ली में बैठ करके शासन कर सकते हैं, रांची में बैठ के शासन करते हैं, लेकिन देश चलता है, झारखंड चलता है आपके द्वारा, गांव के द्वारा, साधारण लोगों के द्वारा, वो आप सब हैं। झारखंड तो आपसे है, देश तो आपसे है, इसलिए ये जो राजनीतिक राजधानियां बनी हुई हैं उनकी ज्यादा परवाह मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आपको कैसा जीवन जीना है, कैसा देश आपको बनाना है,
और उसको बनाने में आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है भाई बहनों। और अभी मेरे पास में कुछ सूचनाएं आ रही हैं, मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, राजनीतिक सूचनाएं कुछ भेज रहे थे मेरे पास, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, हमें अपना जीवन तो बहुत अच्छा बनाना है। जीवन का भी पतन हुआ है ना, अपना कितना ऊंचा जीवन था, देखो हम किसकी संतान है, ऋषि मुनियों की। किसकी संतान है, जोर से तो बोलो, किसकी संतान है, ऋषि मुनियों की, वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए। जीवन का भी पतन हुआ है, मूल्यों का, आदर्शों का, चरित्र का पतन हुआ है, और देश दुनिया का और था, सारी दुनिया में हमारा जैसा कोई और न था। भारत परम वैभवशाली था, पूरी दुनिया का नेतृत्व किया करता था। आज उस देश में गिरावट आई है, और इस देश को दोबारा से विश्व का शिरमोर परम वैभवशाली विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ये भी बड़ी भूमिका आपको ही निभानी है। भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए आप माताओं को बड़ा काम करना है, इसके लिए आज आपको बुलाया गया है। अपना जीवन तो आपका अच्छा होगा ही, तो आप मेरे साथ में एक बार हाथ जोड़ करके एक संकल्प लेंगे, हम जोर से बोलेंगे, हम योग सेवा से राष्ट्र सेवा के निष्काम निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे का समय देंगी। कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। घर में ज्यादा पैसा किस में खर्च होता है, दवा में, दूसरा दारू में, दूसरा किस में, आप लोग दारू तो नहीं पीती ना, सब हंस रहे, बोल बाबा जी दारू तो हमारे पड़ोस में भी नहीं फटकता। जैसे आप दारू नहीं पीती हो, ऐसे ही सबको अच्छी बातें कर करके योग सिखा के ऐसा बना देना कि हिंदुस्तान में कोई बहन जैसे दारू नहीं पीते, ऐसे भाई भी कोई भी दारू ना पिए, ऐसे अपना घर बना देना, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना, अपने पति को प्यार से समझाना, अपने ससुर साहब यदि पीते हो तो उनके चरणों में माथा रख करके उनसे संकल्प करवा लेना, हाँ कि आप यदि दारू नहीं छोड़ेंगे तो मैं उपवास करूंगी। आपके सास ससुर जरूर इसका महत्व समझेंगे, हाँ वो करुणा रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं ना। तो आप लोग ये योग करना, अच्छी अच्छी बातें करना, दवा का दारू का खर्चा ये बेकार, और विदेशी वस्तु तो कोई घर में नहीं लाना, देश का पैसा कहां रहना चाहिए, देश में, देश का पैसा विदेश में जाना चाहिए बहनों। तो लेकिन तुम फेयर एंड लवली लाते हो तो पैसा कहां जाता है, आपको झूठे सपने दिखा देते हैं, ये क्रीम लगाओ और गोरी हो जाओगी, एक भी गोरी हुई कोई, ये सब झूठा प्रचार है, बहुत झूठा प्रचार किया जा रहा है देश में। आपको झूठे प्रचार को कुचलने के लिए सच्चा प्रचार करना है। जो कपाल भाती करेंगे उनके एक तो फिगर्स बहुत अच्छे होंगे, कैसे फिगर्स चाहिए, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, उभरी हुई भुजाएं, जंघाएं, और चमकता हुआ चेहरा, चमकते हुए दांत, और तेजस्वी आंखें, आंखों में नूर हो, चेहरे पर नूर हो, हीरे मोतियों की तरह चमकते रहे आपके चेहरे, हा कुछ ऐसे खड़ूस मनहूस, किसी के चेहरे पर तो रौनक ही नहीं होती, हा बोलो बाबा जी उठते बैठते हैं तो तारे से टूटते दिखते हैं। मैंने कहा कोका कोला पेप्सी और पी लेना, फिर सूरज चांद भी टूट के पड़ेंगे तेरे ऊपर। कोका कोला पेप्सी मत पीना, ये फेयर एंड लवली नहीं लगाना, कपाल भाती करना, इससे क्या होगा, इससे आपका खून बढ़ेगा। चेहरे पर रौनक किसकी होगी, जिसका खून हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, हाँ, और जो चमड़ी को, स्किन को ग्लो शाइनिंग देने वाले कुछ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो फूड से मिलते हैं सब आपको। तो आप कपाल भाती करेंगे तो आपके चेहरे पर चमक बढ़ेगी। कपाल भाती, कपाल किसको बोलते हैं, माथे को, भाती किसको बोलते हैं,
चमक को, जो कपाल भाती करेंगी माताएं उनका चेहरा क्या करेगा बोलो, चमकेगा, उनको फिर लवली लगानी नहीं पड़ेगी। हाँ आजकल तो गांव की माताएं लगाने लग गई, आदिवासी महिलाएं भी खरीदने लगी है मेरे भगवान, फेयर एंड लवली। और ऐसे घी से भी चार गुना महंगी है ये फेयर एंड लवली, कितना, चार गुना महंगी। उतना एक बूंद घी लगाओ तो कम से कम चमक तो आएगी। और ये एलोवेरा जेल लगाया करो, एलोवेरा होता है ना, ये देखो एलोवेरा का झाड़ है, इसका जेल निकल जाता है, ये बहुत अच्छा होता है एलोवेरा जेल। आप घर में इस तोड़ के दो, देखो इसके अंदर जो जेल होता है ना, ये जेल को ऐसे ये चिकना चिकना होता है, इसका नाम है घृत कुमारी, घी जैसा चिकना ताकतवर, और कुमारी जो इसको लगाएगा वो कुमारी रहेगी, बुढ़िया भी गुड़िया जैसी हो जाएगी, ये सब कुमारी जैसी रहेंगी। देखो इसको से लगा करके ऐसे रगड़ लेना, जो आप क्रीम पाउडर लगाते ये ऐसे निकल जाता है, इसका है ना ये चाकू से आप निकालेंगे ना तो ये निकल जाएगा ये, और जो है फिर इसमें से ये गुद्दा लेके और इसको ऐसे लगा लेते हैं। ये आपको बना हुआ भी मिलता है पतंजलि की तरफ से, विदेशी कंपनियां तो बहुत महंगा बेच रही थी, उनसे चार गुना पांच गुना सस्ता हम देते हैं सबको, ऐसे इसको लगा लो और लगा करके, और फिर जो आप क्रीम पाउडर दूसरा लगाते हो ना वो तो चमड़ी के अंदर जाएगा तो केमिकल जाएंगे, ये तो नेचुरल है, जो इसको लगा लेंगे ना उनके चेहरे 100 साल तक ऐसे ही रहेंगे जैसे कन्या के होते हैं। अच्छा बताओ कन्या के शरीर पर छोटी बिटिया होती है ना, जैसे छोटी बेटियां यहां भी बहुत बैठी हैं, इनके शरीर पर कोई आभूषण होता है, और सासू माँ के 5-5 लाख के, 50-50 लाख के, 5-5 करोड़ के आभूषण, और फिर भी वो सासू माँ सुंदर नहीं लगती, क्यों, पेट मोटा हो गया, कमर मोटी हो गई, और जब वो चलती है तो धरती हिलती है, तो शरीर की शोभा वस्त्रों से आभूषणों से नहीं, शरीर की शोभा तुम्हारे सील से है, चरित्र से है, तुम्हारी पवित्रता से है, योग से है, धर्म से है, अध्यात्म से है। जब योग करोगी ना तो सबके चेहरे पर नूर रहेगा, क्या रहेगा चेहरे पर, बहुत मोटा मोटा शरीर अच्छा नहीं होता है, बहुत दुबला पतला भी शरीर अच्छा, एक शेप में होना चाहिए। इसलिए सबको कैसा अच्छा शरीर कैसा चाहिए, अच्छे फिगर चाहिए, फिटनेस, फिर चेहरे पर ग्लॉस शाइनिंग। तो योग सब सीख लो, सब सुबह सुबह क्या करेंगी बोलो, जोर से बोलेंगे, सुबह सुबह क्या करेंगी, जो करेंगे योग उनको नहीं होगा कोई, और जो नहीं करेंगे योग उनको होंगे सब, वो मोटी भी होंगी, उनका खून भी कम होगा, उनका हीमोग्लोबिन कम होगा, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जो योग नहीं करेंगे उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा, उनको छाती में यूट्रस ओवरी में गांठ बन जाएगी। जो योग नहीं करेंगे उनको पीरियड की दिक्कत होगी, जो योग नहीं करेंगे उनको महिलाओं को ओवम की, पुरुषों को स्पर्म आदि की दिक्कत होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, योग नहीं करने से इतने रोग होते हैं, ये जितने भी रोग है ना ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि योग। अच्छा बताओ मुझे ब्लड प्रेशर क्यों नहीं है, बोले बाबा जी आपको कोई झंझट थोड़ी है, तुम्हारा झंझट होगा तुम्हारे घर परिवार पति से, हस्बैंड से, उसके तो तुम बैंड बजा दोगी, बैंड किसी का नहीं बजाना, मींस आपका झंझट किससे है, छोटा मोटा कोई झंझट होगा। हमने तो दुनिया की वो सबसे बुरी ताकतें जो इस देश को लूट चुकी हैं, पूरी दुनिया को लूट रही हैं, उनसे झंझट मोल लिया हुआ है, और हमें बीपी नहीं है, ना हमें स्ट्रेस है, ना हमें शुगर है, क्यों नहीं है, मुझे शुगर क्यों नहीं है, मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं है, मैं मोटा क्यों नहीं हूं, मुझे खून की कमी क्यों नहीं है, बोलो बोलो। तो सब माताएं बहनें बोल रहे हैं बाबा जी आप क्या करते हो, इसका मतलब जो योग करता है उसको स्ट्रेस, उसको तनाव, उसको बीपी शुगर की बीमारी, कितनी बढ़िया चीज, कपाल भाती करेंगे
पेट बढ़िया साफ होगा। बहुतों को सुबह पेट ही साफ नहीं होता, फिर एक गिलास पानी पियेंगे, दो गिलास पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, फिर तो कुछ तो वो जो है वो तमाकू वाला मंजन करने लग गए, कुछ बीड़ी सिगरेट पीते हैं। बोलो बाबा जी, जब तक तमाकू नहीं खाते तब तक लैट्रिन ही नहीं होती। मैंने कहा गाय भैंस 5-5 किलो 10-10 किलो गोबर करती है, और वो हाथी जो है 50 किलो गोबर करता है, कोई ये गुटखा खा के करता है, तमाकू खा के करता है? इसका मतलब जो है लैट्रिन होने से तमाकू का कोई मतलब। तो सुबह उठ के हमारे कुछ पत्रकार भाई भी हंस रहे हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं। सुबह उठ के कपालभाति कर लेना तो आपका पेट बढ़िया साफ होगा, भूख अच्छी लगेगी। ये सबको बताना, योग करना और ये अच्छी अच्छी बातें बताना। आज ये भी संकल्प लेके जाएंगे, योग आयुर्वेद और स्वदेशी की इस सेवा के द्वारा, योग आयुर्वेद और स्वदेशी की इस सेवा के द्वारा इस भारत को हमें परम वैभवशाली आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना है। ये योग मूल है हमारी संस्कृति का। आज योग दीक्षा देकर के भेज रहे हैं ना, आज के बैठक के, आज के इस सम्मेलन के, आज के इस आयोजन के 3 प्रयोजन हैं, योग सेवा से राष्ट्र सेवा का व्रत, और फिर अपना ये जो योग का संगठन है इसको गांव गांव तक, गली गली मोहल्ला मोहल्ला तक फैला देना, अपने जैसे 10-10 की श्रृंखला बना के सैकड़ों भाई बहन तैयार कर देना, ठीक है? और अभी मैं आपको आसन सिखाता हूं। एक काम है योग सेवा से राष्ट्र सेवा का, क्या है बोलो? योग सेवा से राष्ट्र सेवा। कुछ सोचते हैं बाबा जी समय कहां से लाएं? आपको योग सेवा से राष्ट्र सेवा करनी है, और जैसे बीड़ी बेचने वाले, सिगरेट बेचने वाले, शराब बेचने वाले और देश लूटने वालों का संगठन बड़ा है ना, वो घर घर से वोट ले लेते हैं, और हर दुकान के ऊपर तमाकू की, गुटखे की लड़ियां लगी रहती हैं, आओ हमको खाओ और मर जाओ। बोलो, हर दुकान पे मिलेंगे ना गुटखा वाली लड़ियां? हर गांव में शराब मिलेगी कि नहीं? इसका मतलब शराब वालों का संगठन जोरदार है कि नहीं? बोलो, है। शराब वालों का संगठन, गुटखा वालों का, नशा बेचने वालों का, मौत का सौदा करने वालों का संगठन, और देश को लूटने वालों का भी संगठन मजबूत, तो अपना देश कैसे बचेगा? हम अच्छे लोगों का संगठन करेंगे तो योग भी सिखाएंगे, अच्छी बातें भी बताएंगे, सबको जोड़ेंगे। अब ये गांव और प्रखंड स्तर पर, बूथ और वार्ड स्तर तक संगठन खड़ा होगा, और हिंदुस्तान की माताएं बहनें जो चाहेंगी वो हिंदुस्तान में होगा। ये इसके लिए आपको बुलाया। ये दूसरा काम, जिधर हिंदुस्तान की माताएं चाहेंगी उधर भारत माता जाएगी। ये तीसरा काम, आपको आदर्श मां बनना है। आपको क्या बनना है? आदर्श, आदर्श मां, आदर्श बहन, आदर्श बेटी। अच्छा, आदर्श बेटी कौन होती है? चलो फिर आगे बताऊंगा योग वाला पूरा। बोलो तो, आदर्श बेटी वो जो अपने माता पिता का, अपने कुलवंश का और भारत माता का कर्ज चुकाए। पिछले दिनों मोदी ने कुछ बोल दिया तो बखेड़ा हो गया, बोलो हमने गुजरात का कर्ज चुकाया, देश का भी कर्ज चुकाएंगे। अरे देश ये वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का, ये भारत माता है, इसके जन्म मरण का नाता है, ये ऋषियों की भूमि है, वीर वीरांगनाओं की भूमि है, ये भगवान राम कृष्ण और शिव की भूमि है। हम वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषियों की, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। हम मधुमक्खियां नहीं, हम क्या हैं? वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। तो सुनो, आपसे क्या कह रहा था मैं, हैं? आपसे कह रहा था मैं, आपको आदर्श बेटी बनना है, भूल गए आप? तो आदर्श बेटी कौन? जो माता पिता का, मातृभूमि का कर्ज चुकाती है, वो कौन होती है? आदर्श बेटी होती है। तो आपको आदर्श बेटी बनना है ना? बोलो हाँ, जोर से तो बोलो, आदर्श बेटी, आदर्श बहू। आदर्श बहू कौन?
सुनो, आदर्श बहू वो जो पियर को भी की इज्जत करती है लेकिन अपने ससुराल को बसाती है, उसमें खुशियां लाती है, उसमें दौलत समृद्धि लाती है, लक्ष्मी बनकर के आती है, लक्ष्मी बन के आती है कहां, ससुराल में, घर में सुख समृद्धि आती है, ऐसी आपको आदर्श बहू बनना है। और आदर्श पत्नी कौन, जो पति को प्रसन्न रखे और उसका सदा सुहागिन रहे। आदर्श बहू, आदर्श पत्नी वो जो बीबी अपने हस्बैंड का बीपी ना बढ़ाए, उनसे सोना चांदी मत मांगना, जेवरात मत मांगना, गाड़ी साड़ी मत मांगना, बस हर समय खुशी, जब भी वो घर में आए ना सारा तनाव भूल जाए, चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता लिए रहना। आज सबके चेहरे पर खुशी है ना, तो ऐसी ही खुशी हमेशा रखोगी ना, तो आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे, आपके सास ससुर खुश रहेंगे, आप एक आदर्श पत्नी की भूमिका में रहेंगे। और आदर्श माँ, माँ भी तो बनना है ना फिर आपको, आप माँ बनती हैं, बहू बनती हैं, बेटी बनती हैं, सारी आपकी भूमिका है। आदर्श माँ कौन, जो राम कृष्ण हनुमान चंद्रशेखर राजगुरु सदैव भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई झलकारीबाई चेन्नम्माबाई जैसी संतान उत्पन्न करके इस धरती का गौरव बढ़ाती है, वो आदर्श माँ कहलाती है। आपको आदर्श माँ बनना है। और आदर्श सासू कौन, जो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करे, जो अपनी बहू से दहेज मांगती है वो सासू सासू नहीं, वो तो कोई राक्षसी हो सकती है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, अपनी बहू से कभी दहेज, अरे बहू तेरे घर में है उससे बड़ा कोई दहेज होगा क्या। पहले एक वाक्य लिखा रहता था, ट्रक ड्राइवर बहुत लिखा करते थे अपने ट्रकों के पीछे, दुल्हन ही, बोलो, दुल्हन ही दहेज है। अरे एक बाप अपनी बेटी को 25 साल तक पढ़ा लिखा करके, आजकल कितना पैसा खर्च होता है पढ़ाई लिखाई में, कितना आप माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को सौंप देते हैं और ऊपर से दहेज मांगते हैं। याद रखना, जैसे देश में जल जंगल जमीन और बजट की लूट होती है वो भ्रष्टाचार है, ऐसे घरों में भी दहेज लेना ये घरेलू भ्रष्टाचार है, ये भी बंद होना चाहिए। ये दहेज क्या है, ये घरेलू भ्रष्टाचार, पाप, अनाचार है। ये जो दहेज लेते हैं उनके घर में कभी खुशियां, जो दहेज लेते हैं उसकी सासू माँ को कैंसर हो सकता है, सच्ची बता रहा हूं, जिन्होंने ले रखा है वापस कर देना ब्याज सहित। जो दहेज लेंगी उनकी सासू माँ को, ससुरे को, उनके घर में, परिवार में, बच्चों को क्या हो सकता है, बोलो, कैंसर, हार्ट अटैक, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर, लीवर किडनी फेल, डिप्रेशन, क्या बात है, आपस में सुरसुरी होने लग गई। बोले बाबा जी हाँ बात तो ठीक है, जो पाप करेंगे तो आपके घर में कभी पुण्य नहीं बढ़ेंगे, और पुण्य क्षीण होते हैं तो आपके घर में बड़ी बीमारियां आ सकती हैं, इसलिए अपने घर में कभी भी इन पापों को जगह मत देना। आप यदि दहेज नहीं लेते हैं तो आप पुण्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, और दहेज लेते हैं तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो घर में अनहोनी होती है, घर में कोई असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, दुख आ जाता है, किसी का अकाल मृत्यु हो जाती है, हो सकता है दहेज लेने वालों की मौत भी जल्दी ही हो जाए। सुन लो कान खोल के जितने भी सासू बैठी हैं यहां, जो दहेज लेते हैं उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उनकी मौत जल्दी हो सकती है। भगवान बोलेगा जल्दी आ जा, तूने उल्टी उल्टी बहुत काम कर लिया, अब ज्यादा सहा नहीं जाता, इसलिए कभी दहेज नहीं लेना। और जो कोख में ही बेटियों को मार देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भ्रूण हत्या, ये तो सबसे बड़ा पाप है। आप भी कभी कोख में थी, सुन लो बेटियों, माताओं, बहनों, आप भी कभी कोख में थी, माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, चेन्नम्मा बाई, लक्ष्मी बाई, सब
कभी ना कभी कोख में थी। कभी भी कोख में पन्ने वाली बेटी की हत्या नहीं करना, ये ब्रह्म हत्या है। भ्रूण हत्या क्या है? ये ब्रह्म हत्या है। ये सबसे बड़ा पाप है, कभी नहीं करोगी ना। कोई कितना ही कहे, कोई कहे ना कि ये तो बेटा चाहिए मुझको, तो बेटियां बेटों से भी महान है, वो आपके घर की और इस धरती की शान है, आप उनको कम नहीं मानना। हाँ सुनो, ये तो बात बताई आपको, तीन बातें बताई आज की। अब सुनो, अब योग सीख के जाना है, योग सबको सिखाना है और अच्छी बातें सबको बताना है और सबकी सोई हुई आत्मा को जगाना है और भारत को महान बनाना है। तो योग करना है, कराना है, योग सिखाना है, देश को जगाना है और भारत माता को बचाना है। कुछ बेईमान लोगों ने लूट लिया है अपने वतन को, माफिया राज गुंडा राज कायम कर दिया है, और ऋषियों की भूमि को 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों वीर वीरांगनाओं की शहादत का अपमान कर दिया है उन्होंने, बहुत बुरा हाल कर दिया है देश का। इसलिए योग सिखाना है, सबको जगाना है और भारत को बचाना है, उसको फिर से विश्व गुरु परम वैभवशाली बनाना है, सुपर पावर भारत होगा, आध्यात्मिक राष्ट्र का निर्माण करना। और सुनो, इसके लिए 5 प्रतियोगिताएं, योग की प्रतियोगिता, फिर देश की समस्याएं क्या है, काला धन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये जनसंख्या, ये नक्सलवाद क्यों बढ़ा है। नक्सलवाद मूल समस्या नहीं है, लूट मूल समस्या है। यदि हमारे वनवासी आदिवासी भाइयों को उनके जमीन से बेदखल ना किया जाता और उनके जीवन में भी वैसी ही समृद्धि होती जो आज बेईमान नेताओं के जीवन में है, तो वो कभी भी हथियार नहीं उठाते। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी ने, लूट ने इन सारी समस्याओं का जन्म दिया है। जिस दिन ये लूट बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और लोगों को लोगों का हक मिल जाएगा, उस दिन नाम और निशान नहीं रह पाएगा नक्सलवाद का, माओवाद का, आतंकवाद का। यह है मूल समस्या। जरा गौर से सुनना इस बात को। वो लोग भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो ये कि हम कहते हैं भाई शांतिपूर्वक तरीके से बदलाव लाना है। सुनो भाई, मातो बहनों, योग की प्रतियोगिता, निबंध की प्रतियोगिता, भाषण की प्रतियोगिता, गायन की प्रतियोगिता और ग्राम स्वच्छता और ग्राम समितियों की निर्माण की प्रतियोगिता हुई और उसमें जो जिले में बहने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आई, एक बार उन सबका अभिनंदन है, क्योंकि सबको मंच पर तो नहीं बुला सकते, उनको जिले में पुरस्कृत किया गया है। अभी थोड़ी देर में जो राज्य में इन 5 पुरस्कारों के प्रथम द्वितीय तृतीय विजेता, उनको मंच पर बुलाया जाएगा। उससे पहले मैं एक दो बात जरूर ये कहना चाहता हूं, आज सब बहनें संकल्प लेकर के जा रही है, देखो आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान बदल जाएगा, योग सेवा से राष्ट्र सेवा का संकल्प। सब बहनें फिर से एक बार हाथ जोड़ के संकल्प लेंगी, हम योग सेवा से, बोलो हम योग सेवा से राष्ट्र सेवा के पवित्र कार्य को निस्वार्थ भाव से करके अपने जीवन को और राष्ट्र को पुण्यों से भरेंगी। ये काम करना है आपको। कुछ माताएं बहनें सोचते, बाबा जी वक्त कहां से निकालें, घर परिवार से, चूल्हा चौका से, काम काज से फुर्सत ही नहीं होती। सुनो, मैं आपको फुर्सत निकालता हूं आपकी। एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं बोलो? 6 घंटे सोना पर्याप्त है, इससे ज्यादा सोना अपने वक्त को खोना है और जीवन को बर्बाद करना है। तो 6 घंटे सोने की निकाल दिए, कितने बच गए बोलो? 18 घंटे। 18 घंटे में 8 घंटे काम के निकाल दो, चाहे घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, कितने बच गए? 10 घंटे में 2 घंटा अपना जो है साफ सफाई का निकाल दो, कितने बच गए? 8 घंटे में से 2 घंटा पति के साथ बच्चों के साथ बतियाने के निकाल दो, कितने बच गए? 6 घंटा में से 2 घंटा आपस में बात छोंकने के निकाल दो, फिर भी कितने बच गए? 4 घंटे में से 2 घंटा और किसी काम के लिए भी निकाल दो, तो फिर कितने बच गए? इसका मतलब आपके पास समय है, उसको ठीक से मैनेज करना है।
समय तो है लेकिन आप खुद ही अपसेट हैं, आपकी लाइफ अपसेट है, आपका घर अपसेट है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, लाइफ मैनेजमेंट नहीं आता। इसका मतलब आपके पास समय की कमी। अच्छा, योग सिखाने के लिए कोई किसी को पैसा चाहिए? बोलो, नहीं चाहिए ना। कोई भी योग सिखा सकता है, गौशाला, धर्मशाला, विद्यालय, चिकित्सालय, कोई भी बड़ा काम करते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की। योग सिखाने में किसी को पैसे की जरूरत? आज जितनी बहनें आई हैं, सुन लो बहनों, इसके लिए आपको बुलाया है। और इस आयोजन में कितनी बड़ी व्यवस्थाएं की हैं हमारे भाई छवि बिरमानी जी ने। आज के इस सुंदर पंडाल की बहुत बड़ी सेवा दी है, एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। छवि बिरमानी जी हमारे भाई अभी कई सेवा में लगे हैं। इस हमारे सभी सदस्य जो तन मन धन से, बहन मधु जी और भाई सुशील सिंह जी जो हमारे कॉर्पोरेट मेंबर हैं, हर काम में आगे रहते हैं, एक बार उनका भी, सुशील जी का, मधु जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। सबकी ओर से जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे धनबाद के ही दूसरे जो हमारे कॉर्पोरेट मेंबर हैं भाई सुरेश जी और अनीता डोकानिया जी, एक बार अनीता जी के लिए, सुरेश जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और भाई विनोद कुमार साहनी जी जो तन मन धन से पूरा परिवार समर्पित है, विनोद जी और उनकी धर्मपत्नी यहीं पर कहीं बैठे हुए थे मेरे सामने ही, एक बार माता जी का भी, और इनकी तो सासू माँ जी, इनके पतिदेव विनोद साहनी जी बहुत सेवा करते हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनको, बहुत आशीर्वाद। बोकारो से हमारे के सिंह जी जो फाउंडर मेंबर हैं, एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। के सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। सामने ही हमारे बहुत पुराने मेंबर हैं, बहुत श्रद्धा से जुड़े हैं। फाउंडर मेंबर हमारे प्रदीप कुमार साहू जी चतरा से, इनका भी बहुत बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन है। और हमारे आजीवन सदस्य भाई वीणा, श्रीमती वीणा शर्मा जी, इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है, अभी सेवा में लगी है। जमशेदपुर से विमला अरोड़ा जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार तालियां माताओं के लिए। ध्रुव मिश्रा जी देवघर से, उनको भी अभिनंदन है। गढ़वा से कैलाश जी और शंकरी देवी जो है, वीना साहनी जी पलामू से, और हीरा लाल गुप्ता जी जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं बोकारो से, और जेपी सिंह जी, इनको भी बहुत बहुत एक बार अभिनंदन है। सबकी ओर से जोरदार तालियां। बाहर से बहुत बहनें आई हैं, यहाँ बोकारो की बहनें जो हैं वो तो हैं ही, बोकारो के बाहर से जो बहनें आई हैं जरा हाथ उठाना, बोकारो के बाहर वाली बहनें जरा हाथ हिलाना, और एक बार इनका अभिनंदन हो जाए सब बोकारो वासियों की ओर से। पूरे झारखंड से बहनें दूर दूर से चल के आई हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हाथ उठा करके जोरदार इनका अभिनंदन है। कितनी श्रद्धा, कितनी निष्ठा। कैलाश कुमार सोनी जी आजीवन सदस्य और दीनानाथ शर्मा जी आजीवन सदस्य बने हैं, एक बार उन दोनों का भी, कैलाश जी का और दीनानाथ शर्मा जी का जोरदार अभिनंदन सबके ओर से। बहुत आशीर्वाद भाई। और देखो इस पवित्र कार्य में हमारे राज्य के मुख्य संरक्षक भाई छवि बिरमानी जी, हमारे राज्य प्रभारी भाई संजय सिंह जी खड़े हो जाएंगे, एक बार संजय सिंह जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, और इनकी पूरी टीम का, सारी टीम खड़ी हो जाएगी। राज्य के हमारे भाई दिलीप जी और बहन सुधा जी का साथ हमारे हर भाई भी देते हैं हर काम में, सुधीर जी, लाला लक्ष्मी लाल जी, संतोष जी, संजय जी, धनंजय जी, सुधीर जी, दिनेश जी, चंद्रहास जी और दीप नारायण जी, एक बार सब भाइयों ने भी बहुत सहयोग किया, एक बार सबका अभिनंदन है। और हमारी बहनों ने आज के इस शानदार, ऐतिहासिक, यादगार, अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर समन बहन के मार्गदर्शन में बेटी सुधा के लिए जोरदार तालियां एक बार, ताली की आवाज पूरे झारखंड तक पहुंचनी चाहिए। सब बहनों में बहुत ऊर्जा है, बहुत सामर्थ्य है,
और बेटी सुधा का सब बहनों ने बहुत साथ दिया है, बहन रंजना जी, बहन ममता जी, बहन सुधा जी, जमशेदपुर से पलामू से बहन ममता जी, रांची से रंजना जी, धनबाद से सुषमा जी, देवघर से आरती जी, गोड्डा से प्रतिमा जी, बहन मधु जी और अनीता जी, एक बार सब बहनों ने बहुत सेवा की है, जोरदार तालियां एक बार सब बहनों के लिए। इधर से सब बहनों के लिए तालियां जोरदार बजाइए आप, बहुत मेहनत कर रही है हमारी सब बहनें, बहुत सेवा कर रही हैं और बहुत प्यार से हर दिन। एक काम तो सबको करना है, वो ये सुबह सुबह योग की कक्षा जरूर, बोलो जरूर। आज करीब 1,00,000 बहनें यहां पर हैं, 1,00,000 कक्षाएं झारखंड से शुरू हो गई तो पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, योग में भारत का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में बहनों को काम करना है, योग सेवा से राष्ट्र सेवा का काम। देखो अभी यहां बाहर से 485 बहनों के माध्यम से 150 से करीब छोटे वाहनों से 300-400 किलोमीटर से बहनें चल के आई हैं। इतना तप और पुरुषार्थ सब बहनों ने किया है और इसके अलावा हजारों बहनें ट्रेनों से आई हैं। आज तक देश के इतिहास में इतना बड़ा महिलाओं का संगठन कोई नहीं है जो आज पतंजलि महिला योग समिति का ये संबंध। तो महिला पतंजलि योग समिति का ये दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का संगठन आज बना हुआ है। बहन मधु को और ये बड़े आयोजन तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात में हो रहे हैं। ऐसे पूरी हर एक जिले में हजारों हजारों बहनें और पूरे देश में लाखों करोड़ों बहनें अब इस आंदोलन के साथ जुड़ी हैं। अब हम अपने शील चरित्र को भी बचाएंगे, भारत माता को भी बचाएंगे और लाखों करोड़ रुपए जो बेईमान लोगों ने लूटा है वो भी देश को वापस। जोर से बोलेंगे, काला धन वापस, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। कितना लूटा है ये, मैंने कहा ना योग करते करते सब बातें बताना, आज मैंने 3 काम करने के लिए बोला है आपको, योग करते करते अच्छी अच्छी बातें बतानी है सबको और सब बहनों को संगठन से जोड़ देना है। सबसे पहले प्रखंड और वार्ड स्तर पर, उसके बाद गांव और बूथ स्तर तक। प्रखंड और वार्ड वाला काम तो 1-2 महीनों में ही कर लेना सब बहनें मिलजुल के भाइयों के साथ, क्योंकि महिला पतंजलि योग समिति के साथ, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, ये सभी संगठन भी तो सहयोग कर रहे हैं ना। तो अभी 1-2 महीने में सबसे पहले क्या काम करना है, वार्ड और प्रखंड स्तर पर, फिर बूथ और गांव स्तर तक, हर गली मोहल्ला गांव में चारों तरफ योग योग योगमय भारत का निर्माण। तो ये काम करना है, योग करते करते अच्छी अच्छी बातें बतानी है। लाखों करोड़ रुपए जो बेईमान लोगों ने लूटा है वो हमारा हक है, वो कोई भीख नहीं मांग रहे, वो वापस लेना है और एक बहुत सुंदर भारत बनाना है। और एक खुशखबरी आपको दे देता हूं, अभी 11 तारीख तक जब नव वर्ष प्रारंभ होगा तो हर्ष के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नव वर्ष का एक कार्यक्रम अभी शेगांव सीढ़ी के बाद गुजरात में राजकोट में होने वाला है। उसके बाद पतंजलि योगपीठ में हमरो स्वाभिमान, जो नेपाली मूल के हमारे भारतीय नागरिक जिन्होंने विविध क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। सब भारतवासी मिलकर के भारत को परम वैभवशाली कैसे बनाए इसके लिए एक और शंखनाद किया जाएगा। और इसके बाद 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हरिद्वार में आवासीय शिविर रखा गया है, खास करके मोटापा, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए, जिससे कि पूरा भारत निरोग हो और
जो वीर वीरांगनाओं को ऋषि ऋषिकाओं को अपने जीवन का आदर्श मानते हुए स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन पर पहला अधिकार भगवान का है, दूसरा अधिकार मेरी मातृभूमि का, और तीसरा माता पिता और मुझका स्वयं का है। जो देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपने जीवन की आहुति अर्पित करके इसको परम वैभवशाली बनाना चाहते, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो सेवाव्रती के रूप में अपने जीवन की आहुतियां देते हुए इस भागवत कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, राष्ट्र यज्ञ में अब संविधा बन करके इस पावन अनुष्ठान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए जीते हैं, वो भगवान के दिए हुए इस मनुष्य के जन्म का अनादर है। मनुष्य का जन्म इस धरती पर भगवान की सबसे बड़ी रचना है, उसका सबसे बड़ा चमत्कार है, और इस मनुष्य जन्म को पाकर के हम छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जिए, यह हमें शोभा नहीं देता है। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, श्रद्धेय गुरुदेव, युग पुरुष, वेद मूर्ति श्याम शर्मा जी ने जो युग व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का पावन अनुष्ठान किया, उसका पवित्र गायत्री तीर्थ शांति कुंज के हमारे प्रमुख प्रणव पंड्या जी, हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, पूज्य गुरुमा, पूज्य स्वामी चांदनाथ जी, पूज्य महाराज आदित्यनाथ जी, पूज्य कृपालु जी महाराज, पूज्य माधव प्रिय जी, और हमारे अक्षरधाम वाले पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, जो हमारी संन्यास परंपरा के बहुत ऊंचे गौरव हैं, उनके प्रतिनिधि हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी, पूज्य द्वारकेश लाल जी, पूज्य पेजावर स्वामी जी, पूज्य निर्मलानंद नाथ जी चुनचुनगिरी मठ से, ऐसे ही अनेक महापुरुष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, पूज्य परमात्मानंद जी महाराज, और आचार्य सभा के हमारे पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, ऐसे और सामाजिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के बहुत से शीर्ष व्यक्ति उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे 26 अप्रैल को, और उसमें भी हम आपको आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की। आचार्य कुलम के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक आर्ष शिक्षा पद्धति, सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा, और सीबीएसई बोर्ड की जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी का, वो दोनों का हमने समन्वय किया है। दुनिया का बेस्ट एजुकेशन, दुनिया के सबसे उन्नत शिक्षा, दुनिया के सबसे ऊंचे संस्कार, वो आचार्य कुलम में देकर के ऐसे बच्चे तैयार किए जाएंगे जो अपने जीवन में तो आगे बढ़ेंगे ही, उनकी अंतःचेतना तो जगेगी ही, उनके भीतर का महामानव तो जगेगा ही। अब देश का नेतृत्व तो एक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में तैयार नहीं होगा, अब देश का नेतृत्व तो आचार्य कुलम में तैयार होगा, और वहां से जो बच्चे तैयार होंगे वो आपका, आपके कुलवंश का, वो माता पिता का, भारत माता का नाम रोशन करेंगे। ऐसे आचार्य कुलम का उद्घाटन वो 26 अप्रैल को एक बहुत ही भव्य आध्यात्मिक समारोह के साथ संपन्न होने जा रहा है। उसमें और भी बहुत से महापुरुष जिनका मैं नाम उच्चारण नहीं कर पाया, वो वहां पर आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर हमारी संत परंपरा के गौरव, बहुत से दूसरे महापुरुष, पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, और हमारे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के हमारे श्री महंत साहिबान, बहुत से महापुरुष हमारे उसमें उपस्थित रहेंगे। और वो दिन आप जरूर, जो हरिद्वार में ना आ पाए, वो टीवी पर जरूर उस कार्यक्रम के साथ सहभागी होना। और योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का शिक्षा और संस्कारों का ये पुण्य प्रवाह, ये रचनात्मक कार्यों के साथ काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ यह जो एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, अब परिवर्तन अवश्यम भावी है, और इस परिवर्तन में आपने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे कितने ही हजारों झूठे आरोप लगाए, केसों में फंसाया, हिंदुस्तान का मैं पहला सन्यासी हूं, आचार्य बार्षण और स्वामी रामदेव पर डबल सीबीआई, 100 से ज्यादा नोटिस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ईडी, और ये लड़ाई चल रही है। बोले भारत माता की।